मानसी जी पूछ रही है, सर जो लोगों की डेथ हो जाती है, मैं कमेंट को डिस्प्ले पे लगा देता हूँ, सर जो लोगों की डेथ हो जाती है वो मरने के बाद भी हमारे बीच रहते हैं क्या, वो हमको देखकर सुन सकते हैं? सर स्टे होम स्टे होम स्टे होम स्टे होम, पता नहीं क्या स्टे होम क्या है इनका मतलब, देख सकते हैं क्या? जी इसमें बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, देखिए वो आपको देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे पास में बहुत सारी इंद्रियां हैं जैसे कान है नाक है, इस तरह की इंद्रियां उनके पास में नहीं है, क्योंकि बेसिकली कहूँ तो उनके पास में शरीर नहीं है। ये क्वेश्चंस मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, वो सारी चीज उनके पास में नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि वो इस हिसाब से उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो आपको देख सकते हैं। उनके पास में जो एक पावर रहती है, हमारे पास में एक बॉडी रही है, बॉडी के माध्यम से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जैसे ये बॉडी जाती है तो एक स्पिरिट के पास में दूसरी बहुत सारी पावर्स आती हैं जो आपको बिल्कुल देख सकती है और आपका भला भी करती है। अगर आपके कोई ऐसे परिजन है जो आपसे अटैच रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद भी, तो वो आपको जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आओगे, जब भी आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा परेशानी से भरी हुई है, उस समय में क्या होता है, वो आपके पास आएंगे, आपको जब आप सोंगे रात में आशीर्वाद के माध्यम से आपको एक आशीर्वाद देते हैं सपने में आके, तो उसको जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता सकता हूँ, इसको ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकता। जब आप रात को सो रहे होंगे, जब आपको सपना आएगा तो आप उसके अगली सुबह देखेंगे कि आप इतना तरोताजा महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ में जो सारी दिक्कतें चल रही थी वो सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यस ये इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो आप उनको परिजन कह लो, मैं उनको एक अलग डिफाइन से उनको डेफिनेशन देना चाहता हूँ, वो हमारी जो एक गुरु आत्मा रहती हैं वो होती हैं, जो अक्सर जब भी हमें यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े चैलेंजेस हों, या इसको आप इस हिसाब से भी मान सकते हैं कि कोई आपका क्लोज वन थे जिसको आप बहुत प्यार करते थे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या आपके हस्बैंड वाइफ हों या इस तरह से कोई भी और रिलेशन में, अगर वो आपको छोड़ के इस संसार से चले जाते हैं तो बिल्कुल वो आपकी हेल्प करते हैं, तो आपको एक मैसेज देते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन जिस हिसाब से आप सोच रहे हो उस हिसाब से नहीं हूँ, बट स्टिल मैं वहाँ पे हूँ, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वो हमारी इस हिसाब से मदद करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि फिजिकली आके वो आपको मदद करेंगे, तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट रहता है। कुछ स्पिरिट हैं जो कर पाती हैं, अगर उनको जो गुरु आत्मा है या जो दूत रहते हैं जो परमेश्वर के, वो अलाउ करेंगे। तो इसके बाद मैं मानसी जी, आई होप कि आपका क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चंस हैं, इनका नाम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इनको दिखाता हूँ। सर कई बार हमारे मृत परिजन हमारे सपनों में आते हैं और उनको हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब पता होता है, और वो हमारी हेल्प भी करते हैं, उनका बार बार सपने में देखना इन सब का क्या मतलब है? वही मैं अभी ये जवाब आपको दे रहा था कि इसका भी वही मतलब है। वो आपको बताते हैं कि आप चिंता मत करो, हम हैं, अगर आप चिंता करोगे तो उनको भी चिंता होगी, क्योंकि देखिए जब यहाँ से उनका शरीर चला जाता है तो फिजिकल सारी जैसी चीजें वो सब खत्म हो जाती हैं, तो क्या इम्पैक्ट करता है उनके वाइब्रेशंस, मतलब आज आप उनके बारे में गलत सोचोगे तो वो वाइब्रेशंस उनके पास में जाएगी। कैसे भी करके आप जब आपके ऐसी अवस्था में रहते हो तो आपकी अवस्था ऐसी बनती है कि आप कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, आपकी वाइब्रेशंस निगेटिव ही नकारात्मक बनेगी, तो आपको ये सारी चीजें देखने की जरूरत है कि आप उनके बारे में किस हिसाब से सोच रहे हो। तो वो आपके बेसिकली सपने में इसलिए आते हैं ताकि आपको बता सके कि हम हैं, आप ऐसा मत सोचो, आप परेशान मत हो, एक तरह से एक रैंडम मैसेज रहता है, इसे आप चाहे आप आशीर्वाद भी मान सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं भी आता, क्योंकि हर एक स्पिरिट का नेचर अलग रहता है, उनकी जर्नी अलग रहती है, वो अलग अलग यात्रा के लिए जाती हैं, तो किसी किसी के साथ में होता है। तो आई होप कि आपका भी सवाल क्लियर हो गया होगा। IUU क्या नाम है, मुझे प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा आपका नाम। फिर
थैंक यू।